करेंगे यहाँ पे रिम, ड्राफ्ट और शैलर। तो सबसे पहले रिम के लिए कुछ बना लेते हैं। बाद यहाँ से एग्जिट हो जाना, एग्जिट होने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देना। दोनों यहाँ से शेल लेंगे, शेल लेने के बाद इस फेस पे क्लिक करेंगे। कितनी इसको शेल करना चाहते हो, शेल की थिकनेस दे दी मैंने 2, और इसको कर दिया शो प्रीव्यू। रखोगे तो प्रीव्यू दिखाएगा। और ओके, अब शेल को एडिट कर लेते हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के ऊपर स्केच करेंगे। यहाँ से मैंने एक लाइन ली, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक एक लाइन बना दी, ये पॉइंट से और यहाँ तक मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट हो जाना। एग्जिट होने के बाद देखो अभी सेलेक्टेड है, ये हाईलाइट हो रही है ना, सेलेक्टेड है। रिप कमांड लेना, तो नीचे की तरफ ये एरो नीचे की तरफ होना चाहिए। कितनी एमएम की रिप रखनी है यहाँ पर डाल दें। सेंटीमीटर और ओके, तो ऐसे रिप आ जाएंगी। रिप पे राइट क्लिक करना और इसे एडिट कर देना। यहाँ पर मिलेगा तुम्हें ये ड्राफ्ट, कितने डिग्री का ड्राफ्ट रखना है यहाँ पे रख लेना, 10 का रख लिया। और ओके, तो नीचे से चौड़ी हो जाएगी, ऊपर से कर लेंगे। अब बात आती है ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। डिलीट यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। ऐसा बनाने के बाद यहाँ से आप करेंगे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट लिया, यहाँ पे आता है कौन से फेस को आप न्यूट्रल रखना चाहते हो। न्यूट्रल को जो नीचे वाला फेस रखना है, ठीक है। ये एरो को रिवर्स करना चाहते हो ऊपर की तरफ, फिर रिवर्स बटन दबा देना। अब फेस कौन से ड्राफ्ट करना चाहते हो, फेस टू ड्राफ्ट, मैंने कहा ये वाला और ये वाला। कितने डिग्री का ड्राफ्ट चाहिए यहाँ पर डाल देना और इसको ओके कर देना। ये तो फेस ड्राफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।